धौलपुर से शुरू होकर के मरैना, मरैना से मांगरौल, मांगरौल से मनिया होते हुए धौलपुर में आई। स्थान स्थान पर बड़े पैमाने पर स्वागत लोगों ने किया बहुत भव्य तरीके से, और समाज के सब वर्गों के लोग थे। मांगरौल में, धौलपुर में बड़ी सभाएं हुई, वहाँ भी बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता और जनता के लोग थे जिन्होंने परिवर्तन यात्रा का समर्थन भी किया और संकल्प भी लिया कि आगे वाले समय में इस परिवर्तन के यात्रा में सब जने शामिल हों। मैंने तीन विषयों को लेकर के हम बैठे हैं। कल कांग्रेस की पर्यवेक्षक आराधना तिवाड़ी, उन्होंने जब अपने प्रत्याशियों से चर्चा जयपुर में कर रही थी तो उन्होंने कहा कि भारत माता के नारे ने मत लगाओ, जो भारत माता के नारे लगाएगा भारत माता की जय के, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसकी जगह कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाओ। कांग्रेस को अब तक तो भारत के और बाकी चीजों से विरोध था, अब भारत माता की जय जयकार से भी उनका विरोध प्रदर्शित हुआ है। उसी चीज में निकल करके जब राष्ट्रपति जी ने अपना संदेश लिखा, रिपब्लिक ऑफ भारत के नाते से G20 के सभी अतिथियों को भोज के लिए आमंत्रित किया, उसके ऊपर भी कांग्रेस ने विवाद खड़ा किया कि नाम भारत और इंडिया, इंडिया के नाम से आना चाहिए भारत नहीं। तो कांग्रेस इस बात का जवाब दे, क्या उनका विरोध भारत से है? इंडिया वर्सेस भारत, कौन सी संस्कृति को चाहते हैं, किस चीजों को चाहते हैं, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे। दूसरा, दो दिन पहले स्टालिन के बेटे ने उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे। स्टालिन, उनके पूरा दल कांग्रेस के साथ मिलकर के INDIA में, उस गठबंधन में शामिल है। कांग्रेस ने सनातन को समाप्त करने के वक्तव्य के ऊपर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका मौन रहना ये सामित करता है कि कांग्रेस स्टालिन के बेटे के वक्तव्य के साथ सहमत है। तो कांग्रेस बार बार इस बात को सिद्ध करती है, भारत, भारत की संस्कृति, भारत का सनातन धर्म, इन सब के साथ उनका लगातार विरोध, और इन विषयों को लेकर के भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी जब भारत के स्व का अभिमान कराने वाले जो विषय होते हैं उन सब के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम वो करते रहे। सर्जिकल स्ट्राइक तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया, एयर स्ट्राइक तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया, कारगिल युद्ध तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया, और उनके बड़े नेता जब विदेशों में जाते हैं तो वहां जाकर कहते हैं कि भारत में बोलने की स्वतंत्रता नहीं, लोकतंत्र खतरे में है, और यहाँ आकर के पूरे जो मन में आए बोलने का काम वो करते हैं। वो जितना था आज की इस परिवर्तन यात्रा में आगे